हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसका इंतजार था। जी हाँ, भारत ने अमेरिका के नाटो प्लस में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है दोस्तों, और साथ में दे दिया है ये बयान जो बाइडेन प्रशासन को लगा तगड़ा वाला झटका। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ इस पाकिस्तानी ने कहा कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान जल्द बनेगा इस्लामिक देश, जिसके बाद दोस्तों भारतीयों ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे, और इसी बीच बताएंगे जहाँ इमरान खान की गिराई सरकार, अब राहुल से की इन्होंने मुलाकात, आखिर कौन है डोनाल्ड लू। तो दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों की खैर नहीं। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने अमेरिका के नाटो प्लस में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन को बड़ा वाला झटका। जी हां, भारत ने अमेरिका के नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर को दिया ठुकरा, जो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले जो बाइडेन प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि नाटो सैन्य गठबंधन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बता दें कि नाटो 31 देशों का सैन्य गठबंधन है, जिसमें 29 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। भारत ने नाटो में शामिल होने से उस वक्त इनकार कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की मजबूत सिफारिश की थी। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी ने कहा था कि एशिया में नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की मजबूत कोशिश की जानी चाहिए। नाटो प्लस नाटो का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया है, और ये एक सुरक्षा व्यवस्था है जिसे नाटो से टेक्नोलॉजिकल खुफिया और हथियारों की मदद मिलती है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि अमेरिका क्यों चाहता था कि भारत नाटो का हिस्सा जरूर बने। तो आपको बता दें, अमेरिका का मानना है कि भारत को अपने पड़ोसी देश चाइना से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से भारत वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों भारत नाटो को लेकर ऐसा क्या सोच रखता है कि मना कर दिया गया है कि मैं उसमें शामिल नहीं होगा। तो आपको बता दें, इसके विपरीत भारत ने कहा है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत अकेले ही किसी भी तरह के चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम है। जी हां दोस्तों, ये बात बोल करके भारत ने पूरे विश्व को जता दिया है कि अब भारत को किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, भारत अकेला ही काफी है चाइना जैसे देशों को धूल चटाने के लिए। इसके अलावा भारत का मानना रहा है कि वो किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका मकसद सैन्य तरीके से किसी मुद्दे का समाधान करना होगा। भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है। हालांकि भारत ने अपने इस स्टैंड में थोड़ा सा बदलाव किया है, और भारत ने कहा है कि वो पहले अपना हित देखेगा, लेकिन अगर भारत इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो उसे बार बार उन लड़ाइयों का हिस्सा बनना पड़ेगा जिसे अमेरिका शुरू करता है, जैसे अफगानिस्तान युद्ध, जिसमें नाटो के सभी 30 देश शामिल हुए थे, चाहे उन्हें युद्ध में शामिल होने का मन था या नहीं। और दोस्तों अमेरिका को आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी देश से लड़ने को उतारू होता है, बेशक वो उससे ना लड़े, लेकिन जबरदस्ती उस ग्रुप में शामिल सारे देशों को उस देश से पंगा लेना ही पड़ेगा। और अगर भारत भी शामिल होता है तो दोस्तों भारत को मजबूरन अपने दोस्तों वाले देश से भी, जिनसे अच्छे संबंध है, उनसे भी लड़ना पड़ सकता है, और भारत की मजबूरी हो जाएगी कि उस नियम को फॉलो करे। अब ऐसे में भारत ने अपना हित देखते हुए क्लियर मना कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भारत के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि वाकई में ये बहुत सही फैसला लिया गया है इस गुट में शामिल ना होकर के, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां इस पाकिस्तानी ने कहा इंशाल्लाह हिंदुस्तान जल्द बनेगा इस्लामिक देश, जिसके बाद कैसे मिला इसे करारा जवाब। बता दे पाकिस्तान की एक्ट्रेस सेहर शिनवारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत विरोधी टीका टिप्पणी करती रहती है। इस बार शेहर ने भारत में इस्लामिक शासन आने का दावा किया है। शेहर ने ट्वीट किया है कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान जल्द इस्लामिक मुल्क बनेगा। आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, शेहर शिनवारी का ये ट्वीट आने पर बहुत से भारतीय तैश में आ गए। भारतीय लोगों ने ट्विटर पर ही शेहर शिनवारी की क्लास लगा दी। क्रिमिनल लॉयर मधुबंती चटर्जी ने कहा कि इंशा नहीं वो विनाश अल्लाह होगा। इसी तरह रवि अरोड़ा नामक भारतीय ने शिनवारी को निशाने पर लिया और कहा कि कल तुम राहुल गांधी को भारत
भारत का प्रधानमंत्री बना रही थी तख्त दिल्ली, आज क्या हो गया? किसी एक ने जवाब दिया है कि तुझे क्या दिन में दौरे पड़ते हैं। किसी ने कहा पाकिस्तान की हर समस्या का समाधान सरहदें मिटाकर हिंदुस्तान में मिले तभी संभव हो पाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे में इस पाकिस्तानी को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कह रही है कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान जल्द इस्लामिक देश बनेगा? ऐसे में हर भारतीयों का जवाब तो बनता ही है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान की गिराई सरकार, अब राहुल से की मुलाकात। आखिर कौन है ये डोनाल्ड लू बता दे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी कुल मिलाकर 3 अमेरिकी शहरों का दौरा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू से मुलाकात की है। डोनाल्ड लू वही अधिकारी है जिन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। ऐसे में राहुल संग लू की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सिर्फ डोनाल्ड लू से ही मुलाकात नहीं की है, बल्कि उन्होंने एकेडमिक, टेक एक्सपर्ट और कई सारे थिंक टैंकर से भी चर्चाएं की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस गए लेकिन कुछ वजहों से इस मुलाकात को छिपाकर रखा गया। लेकिन यह तो साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने किसी विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। दरअसल जब पिछले साल अप्रैल में इमरान खान की सरकार गिर गई थी तो उन्होंने इसका आरोप विदेशी ताकतों पर लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक अधिकारी का नाम भी लिया। इमरान खान ने जिस अधिकारी का नाम लिया वो थे डोनाल्ड लू। कहा जाता है कि लू के जरिए इमरान खान की सरकार गिराई गई। अब ऐसे में राहुल गांधी का उनसे मिलना दोस्तों बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जहां जो कोई चाहे जब चाहे सरकार गिरवा दे, दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे, 3 साल में 3 लाख गधे बढ़े, बेचेंगे ये चाइना को। जी हां, पाकिस्तान में गधों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी बीच पाकिस्तान इकोनॉमिक यानी PES 2022-23 से पता चला है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में गधों की संख्या में और इजाफा हुआ है। पहले ही पाकिस्तान में बहुत गधे हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गधों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान में 55 लाख गधे थे जो 2020-21 में बढ़कर 56 लाख हो गए हैं। कंगाल पाकिस्तान अपने देश का खर्च चलाने के लिए जो करे वो कम है। कभी अमेरिका में बने अपने होटल को गिरवी रखता है, कभी चीन को गधे और अन्य मवेशी बेचकर धनराशि प्राप्त करता है। वैसे चाइना गधों की संख्या में दुनिया में पहले नंबर पर है लेकिन वहां गधों की डिमांड के चलते पाकिस्तान अपने गधे चीन को बेचता है। लेकिन एक चीज हकीकत है दोस्तों कि पाकिस्तान में गधों की कोई कमी नहीं। बहरहाल बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां इंदिरा गांधी की मौत का उत्सव, कनाडा के सांसद चंद्र आर्या ने खालिस्तानियों को फटकारा, सख्त एक्शन की मांग। जी हां, इंदिरा गांधी की हत्या की बरसी मनाने वाले खालिस्तान समर्थकों को कनाडा के सांसद चंद्र आर्या ने फटकार लगाई और ऐसे खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांसद चंद्र आर्या ने इंदिरा गांधी की खून से लथपथ साड़ी में कटआउट निकालकर परेड निकालने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ देश की सरकार से सख्त एक्शन लेने का आह्वान किया है। चंद्र आर्या ने एक ट्विटर पोस्ट में घृणित परेड निकालने वाले समूह की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हाल ही में ब्रैम्पटन परेड में घृणित परेड निकालकर निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। फ्लोट ने खून से लथपथ सफेद साड़ी में अपने कटआउट के साथ भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया और उनके अंग रक्षक के कटआउट ने हत्यारों को ब्रांडिंग और बंदूक की ओर इशारा किया। ये वो नहीं है जिसके लिए हमारा देश कनाडा खड़ा है। ये फ्लोट कथित तौर पर 4 जून को कनाडाई शहर ब्रैम्पटन में आयोजित एक परेड का हिस्सा था। कनाडा में बढ़ती हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नफरत के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने कहा कि हिंसा का महिमा मंडन और नफरत को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा देना हमारे देश की हर बात के खिलाफ है। खालिस्तान समर्थकों ने एक ऐसा रेखा पार कर लिया है और कनाडा को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समूह सुसंगठित, अच्छी तरह से वित्त पोषित और राजनीतिक रूप से मजबूत है और कनाडा में हिंदू मंदिरों, नेताओं और संगठनों को निशाना बनाते रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कनाडा की सरकार को, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थे तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।